हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डीवी के मैथ्स क्लासेस में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा आपके सामने है कि ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी है। ये लाइंस जो है आपके सामने ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, मतलब समांतर है, मतलब एक दूसरे को कट नहीं करेगी। और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी, यानी ई एफ जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। आपको गिवन है जी डी एंगल, मतलब यहाँ से लगा के यहाँ तक का एक एंगल गिवन है 126 का, ठीक है। और ये पर्टिकुलर यहाँ कितने का है बेटा, 90 का है, ठीक है। तो आपको ए जी फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, तो ये वाला एंगल ए जी ई फाइंड करना है। और जी ई एफ, जी ई एफ कहाँ पर आ रहा है, जी ई एफ मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा डॉट डॉट कर देता हूँ, तो ये एंगल पता करना है आपको। और एफ जी ई मतलब ये वाला, तो ये और ये तीन एंगल आपको पता करना है, ठीक है बेटा। सबसे पहले कंसेप्ट दूंगा, उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो बेटा, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है बेटा। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, और जी कोई ट्रांसवर्सल है, बस इतना देखो, ऊपर वाले फिगर को भी मत देखो, ठीक है। मैंने ये चीज़ें वहाँ से ऑब्जर्वेशन में उठा ली। तो आपको बेटा दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर कोण या अल्टरनेटिव एंगल बनते हैं, और अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, तो ये वाला एंगल जो है आपका इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो आपका जी ई डी एंगल, जी ई डी एंगल कितना गिवन है, 126। ये देखो जी ई डी 126 है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सीधे हो जाएगा ए जी ई के इक्वल हो जाएगा। और ए जी ई भी आपका कितना हो जाएगा, 126। और रीजन अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण, क्योंकि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, दो एकांतर कोण बनते हैं, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो आपका एक काम तो हो गया, आपने एंगल ए जी निकाल लिया। बात करते हैं जी ई एफ की और एफ जी ई की, तो ये कैसे पता होगा, एफ जी ई कहाँ है, यहाँ है एफ जी ई। तो अब उसके लिए फिगर बना रहा हूँ बेटा मैं, ध्यान से समझे, ये देख ले। तो इधर आपके पास इधर आ गया एंगल 126 का, क्योंकि ये अभी ये 126 का पूरा है, तो अल्टरनेट यहाँ पर आ गया 126 का, इधर 126 का है बेटा, तो इन दोनों का सम होने वाला है 180, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पैर, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 126 आएगा। चलो तो इधर वाला कितना आएगा, 180 में से इसको माइनस कर लो 126 को, 4 से 30, और ये हो जाएगा बेटा 54, समझ में आया। तो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा 54, ठीक है। अब बचा आपका ये वाला एंगल बेटा, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल है, कौन सा, जी ई एफ, तो ट्राइंगल की होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 का बन रहा है, ठीक है। तो ये 90, ये 54, तो ये कितने का आएगा, तीनों का सम 180 आएगा। तो आप क्या करो, 180 में से इन दोनों का सम करके माइनस कर लो, ठीक है। इसका सम कितना रहा, 140 और 144, तो 180 माइनस 144, तो कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा, समझ में आया क्या। तो ये तीनों के तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। आ जाओ इसका तरीके से लिखते हैं, क्या दिया है आपको, तो चूंकि ए बी पैरेलल टू सी डी, चूंकि ए बी तथा सी डी समांतर है, तथा तिर्यक रेखा, तथा तिर्यक रेखा जी ई इसे प्रतिक्षेप करती है, इसे क्रमशः जी तथा ई पर प्रतिक्षेप करती है, ठीक है। इन इंग्लिश लैंग्वेज बेटा इसको कैसे समझेंगे हम, सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल GE इंटरसेक्ट AB एट G एंड CD एट E, ठीक है। AB CD के समांतर है, तथा तिर्यक रेखा GE इसे क्रमशः G तथा E पर, AB को G पर और CD को E पर प्रतिक्षेप करती है, ठीक है। अब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिक्षेप कर रही है, तो एकांतर कोण बनेंगे, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो एकांतर कोण का नाम क्या होगा, इधर से आ रहा है AG और उधर से आ रहा है ZED, ठीक है बेटा। ये रहा ए जी ई, एकांतर बनेगा जी ई डी से, ए जी ई जी ई डी नीचे बनाया मैंने, ए जी ई जी ई डी, ये रहा, तो ये 126 का हो जाएगा, क्योंकि ये आपको गिवन है 126 का, ठीक है बेटा। ये हो गया 126 डिग्री, सिंस एंगल जी ई डी, सिंस एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री गिवन है, दिया है, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया एक एक एंगल पता कर लिया, एंगल ए जी आपसे जो पूछा हुआ था। अब सेकंड बेटा आपके पास जी ई एफ है और एफ जी ही है, तो पहले आप क्या पता करोगे, तो मैं आपको सबसे पहले एफ जी बताता हूँ, एफ जी कैसे पता करेंगे, ठीक है। सिंस
आप ध्यान से देखो ये वाला कंसेप्ट है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ए, यहाँ पर लिखा है जी, और नीचे जो जा रहा है उसका नाम है ई। ठीक है बेटा, इधर है आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट जो इसको ज्वाइन करा रहा है, एफ जी ई और ए जी ई। तो एफ ए जी ई एफ जी सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे, एंगल ए जी ई प्लस ए जी ई प्लस एफ जी ई। ध्यान से समझे, एफ जी ई 180 आ रहा है। इनको बोल सकते हो आप रेखिक युग्म, लीनियर पैर, एल पी रेखिक युग्म, कोणों का रेखिक युग्म। ठीक है, लीनियर पैर। बस यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ए जी का मान ऊपर बताया आपको 126 प्लस एफ जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा तो आपको निकालना है वैल्यू एफ जी का, एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस, ये प्लस वाला इधर माइनस में 126 हो जाएगा। तो आपका एफ जी ई कितना आ रहा है, 180 में से 126 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 430 और ये हो जाएगा 54। तो बेटा आपके दो एंगल पता होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल जी एफ ई, इन ट्राइंगल की बात करें तो इसमें तीन एंगल है बेटा, एक 54 का है, एक 90 का, तो ये तीसरा बचा हुआ है। तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं इसमें एंगल, तीनों एंगल के नाम लिख देता हूँ। चलो इसका नाम है एफ जी ई, एफ जी ई। ठीक है बेटा, ये वाले एंगल का नाम लिख लिया, इस वाले एंगल का नाम क्या है, जी एफ ई, एंगल जी एफ ई प्लस इस वाले एंगल को जो पता करना है उसने क्या नाम दे रखा है आपको, ए जी के बाद जी ई एफ, ये वाला जी ई एफ। तो आप भी इसको लिख लो जी ई एफ। ठीक है, और इनका सम आएगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बोलता हूँ, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ देयर थ्री इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, द सम ऑफ देयर थ्री इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो बेटा आपका एफ जी ई जो है कितना है, एफ जी ई आपका आया 54, ये रहा आपका एफ जी ई 54। ठीक है, चलो जी एफ ई कितना है आपका, जी एफ ई ये परपेंडिकुलर था तो 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री प्लस ये तो आपको पता करना है जी ई एफ। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। ठीक है, अब अगर इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और इसकी प्लेस पर हम यहाँ पे कैलकुलेशन ऊपर ले लेते हैं, इन दोनों को जोड़ दो बेटा 54 और 90 को, तो ये हो जाएगा 95 144। ठीक है, 144 प्लस एंगल एफ जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, जी ई एफ 144 और ये हो जाएगा 180 डिग्री। आपको जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 144, तो ये हो जाएगा एंगल जी ई एफ बराबर कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। कितना बेटा, 36 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल डीवी के मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।